श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्वासति गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। भाई जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है, लेकिन अर्जुन किस रूप में है, पार्थ रूप में भी नहीं है, गुडाकेश रूप में भी नहीं है, कुंती पुत्र के रूप में भी नहीं है, बल्कि धनुर्धर के रूप में। जहां अर्जुन धनुर्धर के रूप में है तो वहां कृष्ण योगेश्वर के रूप में, और जहां कृष्ण योगेश्वर के रूप में है वहां क्या क्या है, श्री विजय अलौकिक शक्ति नीति ध्रुव मतलब निश्चित रूप से है। ये संजय का मत है। अब आज हम इसी श्लोक को एक बहुत अद्भुत परिदृश्य में देख रहे हैं। आज मैं ऐसे ही बैठा हुआ ब्रेकफास्ट कर रहा था, नाश्ता कर रहा था, तो मेरे अंदर बहुत सारी चीजें चल रही थी। बात फिर ऐसे अचानक मोनिश का यूएसए से फोन आ गया। कई दिनों से उससे मेरी बात हुई नहीं थी, तो उसका फोन आया। तो फोन पे एक चर्चा होते होते जो मेरे अंदर चल रहा था वो चर्चा वो मैं आपसे भी अभी शेयर कर रहा हूं। यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय बुतिर ध्रुव नितिर मतिर मम। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां पार्थ धनुर्धर है वहां पर श्री मतलब अगर हम देखें तो वाहवाई ऐश्वर्य इज्जत मान सम्मान लक्ष्मी पैसा सब कुछ ले लो। विजयी मतलब जीत है विक्ट्री है। नीति मतलब पॉलिसीज है, क्योंकि किसी भी सक्सेस के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। ये सब कुछ है, ऐसा मत है। तो एक बात आपको समझाऊं कि बहुत सारे लोग प्रारब्ध पे वो विश्वास रखते हैं और वैसा है भी कि भाई मेरे प्रारब्ध में होगा। हम कहते नहीं ये हमारे प्रारब्ध में ही नहीं होगा तो हम क्या करें। मानते हो आजकल जो हम बहुत सारी बातें ऐसे सुनते हैं कि भाई ये मेरे प्रारब्ध में ही नहीं होगा तो मैं क्या करूं, या ये मेरे प्रारब्ध में होगा
तो मुझे मिलेगा। जैसे अभी मैं ये कहावत कई बार सुना हूं कि भाई नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला। तो चलो आज इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि जब मैं नहा रहा था तो नहाते समय कुछ और विचार थे जो इस बात को और मजबूती से मेरे दिमाग में बिठाया कि जो मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि अंदर तो हमेशा चलता ही रहता है। तो आइए इस श्लोक से ये समझते हैं कि लोग कहते हैं भाई नसीब में होगा तो मिलेगा, और ये हम भी सोचते हैं, लेकिन आज मेरी इस सोच को एक और थोड़ा दरवाजा खुला है। एक इस सोच में कहीं एक और रास्ता निकला है कि ये भी तो हो सकता है। अभी तक हम सिर्फ ये सोचते हैं भाई अब नसीब में होगा तो मिलेगा, छोड़ो यार, या छोड़ो अपने भाग्य में नहीं था, अपने प्रारब्ध में नहीं था, क्या करें, या ये अपने प्रारब्ध में था तो अपन को मिल। तो ये जनरली तो ये बात बिल्कुल सही बैठती और है भी, ये इसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते। और इसको अगर हम जनरली कहें तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्म, यह है भी। लेकिन इस श्लोक में थोड़ा एक अलग से एक दरवाजा खुल रहा है जो मेरे गुरु के प्रसाद से वो ऐसा आया। अब आप मुझे बोलिए, ये बताइए कि कृष्ण अर्जुन से कहता है ये अर्जुन तुम ये युद्ध लड़ो, क्यों लड़ो? अरे सिंपल सी बात है कि कौरव ने उनसे छल कपट करके सब ले लिया, पांडवों के राइट छल कपट करके किसने ले लिए? कौरव ने ले लिए। और जब भगवान समझाने गया दुर्योधन को, अब मैं पूरा बना रहा हूं इसका भूमिका बना रहा हूं, हो सकता है ये आज पूरा भी ना हो, तो पांडव के छल कपट करके कुछ भी करके कौरवों ने सारा कुछ ले लिया। उसका मुख्य पात्र कौन था? दुर्योधन था, और दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था, और उनके षड्यंत्र से सब ले लिया। लेने के बाद कृष्ण समझाने गया कि भाई ये सब तुम थे दो, बोला नहीं दूंगा, बोला फिर अंत में 5 गांव दो, फिर भी वो माना नहीं। फिर कृष्ण वापस आए कहां और द्वारका में आके अर्जुन पांडवों को कहा कि भाई वो मानने को तैयार नहीं है, और अब इसका आखिरी कदम कौन सा है? युद्ध का। तब जो जनरली होता है, कि जब एक दुर्योधन नहीं माना तो कृष्ण क्या करते? आते अर्जुन को और अर्जुन कहते देख वो तो मानने को तैयार नहीं है, तू ही मान जा, छोड़ ये झंझट, तेरे नसीब में होगा तो मिलेगा बेटा, बैठ जा इधर, या फिर छोड़ यार अर्जुन, समझ ले के तेरे नसीब में ही नहीं है। होता है ऐसा, लेकिन यहां तो नसीब की बात हो ही नहीं रही। जनरली हम ऐसे अपने आप को खुश कर देते हैं कि ये मेरे नसीब में नहीं था, चलो जाने दो, जाने दो अपने नसीब में नहीं होगा, या जाने दो वो ले गया तो उसके नसीब का होगा, ऐसे करके हम खुद को सेटिस्फाई कर लेते। तो
कृष्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया कि भाई देख सुन अर्जुन, अब वो तो मानने को तैयार नहीं है, तू ही मान जा, छोड़ झंझट, छोड़ अपन को लड़ाई झगड़ा करके क्या करना है, अपने नसीब में होगा तो और मिल जाएगा। ऐसा कृष्ण ने क्यों नहीं किया? मैं जिंदगी के बहुत अलग अलग रूपों को भगवद गीता के श्लोक से ही प्रस्तुत करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे गुरुदेव, मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र मुझे वो कुछ प्रेरणा देता है जो उस जिसे हम भारत वाले कौन से पोल से गए, साउथ पोल पे, जहां जाने के किसी ने सोचे ही नहीं थी हम वहां से चले गए। तो मेरे गुरु महाराज मुझे वहां से प्रेरणा देता जिस तरह से श्लोक पे किसी ने सोचा ही नहीं होगा ये भी तो है। और अभी देखना मैं आपके सामने दे रहा हूं और मैं दावे से कहता हूं, आप नेट पे ढूंढ लो, रिसर्च कर लो, गूगल पे चल, इस परस्पेक्टिव से गीता को कुछ समझा नहीं पाएगा जिस तरह से मेरे गुरु महाराज मुझे प्रेरणा दे रहे हैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। मैं चाहता हूं सुनने वाले जो है ना बड़े बहुत समझदार हो और वो मेरे अंदर जो है वो अब तक पहुंचा दूं। तो होता तो ये था कि कृष्ण कहते देख भाई अर्जुन, दुर्योधन समझने को तैयार नहीं है, प्लीज तू ही समझ जा। जनरली ऐसे होता है, तू ही समझ जा और बीच बचाव करके मामले को छोड़ दे, या फिर देख अर्जुन छोड़ जाने दे, अपने नसीब में होगा तो और कहीं से मिल जाएगा। तो कृष्ण ने तो ऐसी बातें नहीं की, कृष्ण ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि तेरे भाग्य में है तो मिल जाएगा, भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को नहीं मिला अर्जुन, तेरे को कहां से मिलेगा, और तेरे भाग्य में होगा तो इससे भी अच्छा मिलेगा, बैठ जा तू ये कर वो कर, ऐसा तो कृष्ण ने कहां गीता में लिखा बताओ? या फिर अरे भाई तेरे प्रारब्ध में नहीं होगा, क्या करे, तेरे प्रारब्ध में होगा क्या करे। और ये सच्ची बात भी है कि जो प्रारब्ध में नहीं होता है वो नहीं मिलता। लो अब मैं अपनी बात को उल्टा कर रहा हूं, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जो प्रारब्ध में होता है वो नहीं मिलता है, और ये सच्ची बात है कि जो प्रारब्ध में होता है वो मिलता है। लेकिन कृष्ण तो यहां सब उल्टा ही सोच रहे हैं, अगर भाई ये बात और है भी सच्ची कि प्रारब्ध में होता है वही तो मिलता, तो कृष्ण ने अर्जुन को क्यों नहीं कहा कि देख तेरे प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिला, बैठ जाने चुप करके, दुर्योधन के नसीब में था वो मिल गया, तू चुप करके बैठ जा। अब आओ इस बात को समझाओ, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा, और जो नसीब में होगा तो फिर कृष्ण अर्जुन को क्यों नहीं समझा रहा है? भाई कृष्ण से ज्यादा समझदार कौन है, और कृष्ण से ज्यादा नसीब को कौन समझ सकता है, कृष्ण से ज्यादा प्रारब्ध को कौन समझ सकता है? तो फिर कृष्ण ने इसके उलट क्यों कहा कि जाके लड़ो, आओ थोड़ा समझते सोचो। हम इंसान किसी को इसलिए ऐसा दिलासा देते हैं कि हमारे हाथ में, अभी देखना आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिड़कियां खुलेगी, क्योंकि मैं वो कुछ लेता हूं जो मेरे इर्द गिर्द होता है उसी में सुध लेता हूं,
भाई एक स्त्री वही पकाएगी जो किचन में होता। हम ऐसे कैसे कहते कि भाई तेरे नसीब होगा तो तुझे मिला, छोड़ दे अब ये बातें छोड़ दे, क्योंकि हम कौन है, हम इंसान है और हमारे हाथ में दिलासा देने के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हमेशा से कहता हूं मां जन्म देती है लेकिन मां कर्म नहीं देती, मानते? तो हमारे हाथ में एक दूसरे को दिलासा देने के, संतावना, क्या बोलते हैं, सतावना देने के कुछ नहीं, इसलिए हम ये बातें करते हैं, दिलासा देते हैं, सतावना देते हैं, सतावना देते हैं, क्योंकि हम किसी के भाग्य बदल नहीं सकते, हम किसी का प्रारब्ध बदल नहीं सकते, लेकिन वो तो कृष्ण, वो तो भगवान है, और भगवान चाहे तो किसी का भी प्रारब्ध बदल सकता है, भगवान चाहे तो किसी का भी प्रारब्ध बदल सकता है। नीच को ऊंच करे मेरे गोविंद, काहे को न डरे, जिसके प्रारब्ध में नीचता लिखी है मेरा गोविंद तो उसे ऊंच कर सकता है, गुरु की वाणी है, काहे को, उसे किसका डर है, किसी की मजबूरी है, किसी की लाचारी है। अब भाई प्रश्न ये उठता है कि नीच को ऊंच करे मेरे गोविंद, किसी का भी प्रारब्ध वो, बोलो ना, बदल सकता है, तो जिसका प्रारब्ध भगवान बदलता है क्या वो उसके मासी के बच्चे? तो फिर कैसे, इसका प्रारब्ध बदल दिया, इसका नहीं बदला? भाई जिसका नहीं बदला क्या वो भगवान का दुश्मन है? और जिसका प्रारब्ध बदल दिया क्या वो भगवान के कोई रिश्तेदार है? तो आओ समझे, आज बहुत अद्भुत प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट कृष्ण दे रहे हैं, मेरे गुरु महाराज दे रहे हैं व्यास आसन, समझो। यत्र पार्थ धनुर्धरा, अब सोचो हाँ थोड़ा, हम अब हम सब हो, ये जो सब इधर उधर बैठे हैं कोने खांचे में, इन सबों की बात कर रहा हूं, सब की बात कर रहा हूं। मान लो अर्जुन के बस की बात नहीं थी कि पितामह भीष्म से युद्ध, ये तो पक्की बात है, पक्की बात है, संभव ही नहीं था, ना ही अर्जुन के बस की बात थी कि द्रोणाचार्य से युद्ध कर सकता, ना ही अर्जुन के बस की बात थी कि कर्ण को पराजित करता, क्योंकि ही वाज इक्वल टू अर्जुन, ये सही था। और अर्जुन ने कहा भी कि मैं नहीं लड़ूं। अब कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने अर्जुन को हिम्मत दी। अब आओ तुम, बहुत अच्छी बातें आज आ रही है, और ये हम सबों के जीवन से लगी पड़ी है, ये जो माताएं बहनें बच्चे जो घर बैठे लोग सुन रहे हैं उन सबों के काम की बात ही है। एक बात बताओ, इंसान को किसी चीज में भी फ्री नहीं है, वो जो है
अपने प्रारब्ध जो है उसको तो कहते हैं ना, प्रारब्ध को तो भोगना ही बोलते हैं ना भाई, प्रारब्ध को तो भोगना है, मानते हो ना? हम बचपन से सुनते हैं भाई, कर्म तो भोग नहीं है, कर्म तो भोग नहीं, प्रारब्ध तो भोग नहीं है, क्या नहीं? अब समझो, लोग कहते भाई अभी प्रारब्ध तो भोग नहीं, कर्म तो, ये सब सब माताओं को भी बहुत काम की चीजें, सुनो ध्यान से, आपका भला होगा, आपको सुनो, प्रारब्ध तो भोग नहीं, कर्म तो सबको काटने हैं, और ये एक जनरल प्रोटोकॉल है, जनरल प्रोटोकॉल है, इससे सबको गुजरना है, ठीक है। हम कर्म करते हैं, बोलो यस, हम कर्म करते हैं, फिर कर्म भोगते हैं, हम कर्म करते हैं, बोलो हम कर्म, फिर हम कर्म भोगते हैं, लेकिन जो कृष्ण है वो कर्म काटते हैं। हम कर्म करते हैं, फिर हम कर्म भोगते हैं, लेकिन कृष्ण कर्म काटते हैं, मानते हो? मानते हो? कृष्ण कर्म काटते हैं। जैसे कि चलो इसी वाणी को समझते हैं, नीच को, तो वो अपने प्रारब्ध से कैसा है? नीच है वो, अपने प्रारब्ध से तो नीच है, लेकिन कृष्ण ने क्या कह दिया? नीच को ऊंच करे मेरा गोविंद, काहे को नर, उसे किसी का भाई नहीं। एक जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस न्यायाधीश है उसको किसका भाई, वो तो सरकार से भी नहीं डरता, वो चाहे तो फांसी की सजा भी बख्श कर सकता। तो मतलब हम कर्म करते हैं, फिर कर्म भोगते हैं, लेकिन कर्म कर लिए और कर्म भोगने हैं और उस बीच कृष्ण आ जाए तो कर्म कट जाता है। भाई ये कर्म किए और ये कर्म भोगने हैं और बीच कृष्ण आ जाए तो यहां तक पहुंचे के नहीं, कर्म भोगने की बारी नहीं आएगी क्योंकि वो कट जाएंगे। अब कैसे? अब समझो, तब समझ आएगा, यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ, तब समझोगे, समझो। तो मैं बता रहा था कि हमें किसी चीज में भी स्वतंत्रता नहीं है, है? तो एक चीज में हम आजाद है, एक चीज में हम स्वतंत्र है, एक चीज में हम फ्री है, विचार, एक चीज में हम फ्री है, चाहत, चाहने में हम फ्री है। चाहने में किसी की सोच है? भाई मान लो ये फूल को आपने चाहा, ये आपका हक है, क्योंकि इसमें तो आप फ्री हो ना। अब ये आपको मिले या ना मिले, ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं, लेकिन चाह तो सकते हैं, विचार तो कर सकते हैं। तो विचारने में हम आजाद हैं, विचारने में तो हम, भाई एक बिल्डिंग है 50 करोड़ का फ्लैट है, हम निकले तो हम ऐसा सोचते ना कि यार ये होना चाहिए, मेरे पास भी हो, ये इसमें तो आप फ्री हो ना, इसमें तो फ्री है, चाहने में तो हम, चाहने में फ्री है, पाने में नहीं है, चाहने में तो फ्री है, चाहने में तो फ्री है। अब यदि हमने अपने जीवन का जो रास्ता चुना है वो कृष्ण भक्ति का चुना है, यदि हमने अपनी जिंदगी का रास्ता कृष्ण
शरणागति का चुना है। यदि हमने अपना रास्ता कृष्ण सेवा का चुना है, यदि हमने अपना रास्ता कृष्ण भजन का चुना है, ठीक है, तो इसमें तो हम आजाद है। क्यों? कि ये आजादी तो हमें, ये आजादी स्वयं कृष्ण ने दी। ये 86 यथाच्छासी तथा करु, ये आजादी तो कृष्ण ने दी है। देखो जो बोलूंगा मैं, ये मेरे सामने गीता पढ़ी उसके आधार पे बोलता हूं। यहां से उतरूंगा तो मस्ती मजाक कुछ भी है चलता है, या रिस्पॉन्सिबली इससे बात करूंगा मैं। कृष्ण ने हमें आजादी दी है, अब आप क्या चाहते हो? अब देखो सुनो, हम चाहते हैं लेकिन वो हमारे नसीब में नहीं। लेकिन देखो हम चाहते हैं, मैं अभी बीच में 2 महीने पहले कहा कि अजीब बात है, नसीब भी तुमने बनाए और दिल भी तुमने बनाया, नसीब भी तुमने बनाए दिल भी तुमने बनाया, लेकिन जो दिल में है वो नसीब में नहीं। हे प्रभु, मैं अभी 2 महीने मुझे याद है मैंने क्या कहा था। ये मेरी अपनी रियलाइजेशन बता रहा हूं आपको, ये कहीं लिखा थोड़ी कि हे प्रभु दिल भी तुमने बनाया और नसीब भी तुमने बनाया, फिर ऐसा कैसे है कि जो दिल में है वो नसीब में नहीं और जो नसीब में है वो दिल में नहीं। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में, ये हम क्या जाने, ये वही जाने जिसने बनाया सबका नसीब। आओ चलो इस पे आज थोड़ी बात करते हैं, बहुत गंभीर विषय लेकिन साथ में बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मुझे खुद को ही बड़ा मजा आ रहा है। एक चीज आपको बताऊं, एक बच्चा खा नहीं सकता है अपने हाथ से, एक 10-12 बरस का बच्चा अपाहिज है, चलो हैंडीकैप है या एक स्पेशल चाइल्ड है, दिव्यांग है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा दिव्यांग, चलो बच्चा दिव्यांग है और अपने हाथ से नहीं खा सकता, उसका हाथ नहीं है, तो ये क्या है? उसका प्रारब्ध है, कि उसका प्रारब्ध ऐसा है कि उसको हाथ नहीं है, ठीक है, ठीक है, नहीं, उसके हाथ ऐसा है, कैसा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है जो वो खा नहीं सकता है। फिर उसकी माँ, फिर उसकी माँ उसको अपने हाथ से खिलाती है, ये क्या है? उसकी ममता है, वो नहीं खा पा रहा है, उसका प्रारब्ध है। मां उसको अपने हाथ से खिला रही है, ये उसकी कृपा है, उसकी ममता है। उसका प्रारब्ध तो ऐसा है कि वो खा नहीं पा रहा, लेकिन वो भूखा नहीं मर रहा है, क्योंकि उसको उसकी माँ खिला रही है, ये माँ की ममता है या कृपा है। लेकिन कब? जब जब वो बच्चा कहता है मम्मी भूख लगी है मुझे, माँ मुझे भूख लगी है, तो माँ ने क्या किया? दौड़ी खिलाया, क्योंकि मांगना या ना मांगना वो बच्चे के हाथ में। अब आप, मैं बहुत इजीएस्ट समझा रहा हूं आज, और हो सकता है आज से आपकी जिंदगी की सोचने की एक दिशा बदल जाए, हो सकता है। और यही तो बात है कि आपको विजन देना है,
तीन चीजें सुन लो जिंदगी में जो अभी भी आ रही है, विजन, डिटर्मिनेशन एंड एग्जीक्यूशन. क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूशन. नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आया? विजन, डिटर्मिनेशन एंड एग्जीक्यूट होना चाहिए. जो आपका विजन है उस पर आप डिटर्मिनेट रहो और डिटर्मिनेट रहकर उसको एग्जीक्यूट करो, दो जिंदगी बदल जाएगी पूरी. हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि सबसे बड़ी मुसीबत है विजन ही नहीं है. टेलीविजन तो है लेकिन विजन नहीं है, मुसीबत यह है. दूसरों का दिखाया ही देखते हैं. अब दूसरे को जो दिखेगा वो हमें दिखाएगा और दूसरों का दिखाया हुआ देखते हैं, जैसा उसको दिखेगा वैसे हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास अपना कोई विजन ही नहीं है. और सदगुरु क्या करते पता है? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन श्लाकाय. मेरी जो आंखें खोली है वो किससे खोली है? ज्ञान अर्थात एक विजन दिया है मुझे. ये व्यासासन जो है ना बहुत बड़ा विजन देता है. आपके घर में टेलीविजन है, बोलो घर में, लेकिन सत्संग में विजन है. वो टेलीविजन है और मुझे तो लगता है यहां डेलीविजन है, यहां डेली एक विजन मिल रहा है. डेलीविजन, वाओ. हाँ, अब कोई चैनल खोलो, इसका नाम रखना डेलीविजन. अब समझो, समझो ठीक है. पहले माँ की देखो सुनो, वो थोड़ा चल नहीं पा रहा. और हाँ, और इजी करूं क्योंकि विषय में चाहता हूं वो समझो और इम्प्लीमेंट आपके जीवन में हो. एक बच्चा है जो नहीं चल पा रहा, वो क्या है? उसके प्रारब्ध है, उसके पांव ऐसे प्रारब्ध है. फिर माँ क्या करती है? उसको हाथ से पकड़ के चलाती है. अब जो हाथ से पकड़ के चला रही है उसके प्रारब्ध नहीं है. उसके प्रारब्ध तो नहीं चलने के है, लेकिन माँ उसको पकड़ के चला रही है क्योंकि माँ की कृपा है, वो चाहती है, उसकी करुणा है कि उसका बच्चा चले. उसके प्रारब्ध में चलना नहीं है लेकिन माँ चाहती है कि वो चले. प्रारब्ध, बोलो बच्चों, नहीं है कि वो चले. प्रारब्ध नहीं है कि वो, मां चाहती है कि वो चले. वो उसके कर्म है, ये इसकी कृपा है. वो उसके कर्म है, ये इसकी ममता है. कर्म कहते हैं ना चले, ममता कहती है चले. लेकिन दोनों के बीच में एक चीज है, दोनों के बीच में ही बच्चे का डिटर्मिनेशन क्या है. बच्चे क्या, अब उस बच्चे में कितना डिटर्मिनेशन. इफ ही और शी वांट्स टू वॉक, उसके प्रारब्ध तो कहते हैं नहीं चलना है और मां की ममता कहती है चलना, लेकिन बच्चा क्या चाहता है? नहीं चलना जो उसके प्रारब्ध है या चलना जो उसकी मां चाहती है? क्या है उसकी इच्छा? अगर उसकी इच्छा है चलना तो भले उसके प्रारब्ध कुछ भी हो, मां उसको चला के ही छोड़ेगी. उसको इधर ले जाएगी, उधर ले जाएगी, इस डॉक्टर के पास ले जाएगी, उस डॉक्टर के पास ले जाएगी, इस हॉस्पिटल ले जाएगी, उस हॉस्पिटल लगाएगी. लेकिन
उस बच्चे की भी तो। अच्छा आप कहेंगे वो छोटा बच्चा उसको क्या पता, लेकिन याद रखो हर एक बच्चे में भगवान ने विल पावर बाय बर्थ दी है। विल पावर तो बाय बर्थ सब पे होती है। अब वो बच्चे में वो विल पावर कितनी डिवेलप होती है तो सही, लेकिन अब डिवेलप होती। अब अगर वो चाहता है कि मैं चलूं, बार बार गिरता लेकिन खड़ा हो जाता, बार बार गिरता लेकिन खड़ा होता, गिर के गिर ही नहीं चाहता लेकिन वो खड़ा होता है, तो इसका मतलब है वो चलना चाहता है। इसी तरह से हमारे प्रारब्ध है कि हम फेल हो जाएं, हमारे प्रारब्ध है हम बर्बाद हो जाएं, हमारे प्रारब्ध है हम तबाह हो जाएं, हमारे प्रारब्ध है हमसे सब कुछ छीन लिया जाए। लेकिन हम कृष्ण भक्त हैं, हम भजन करते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम हरि शरण हैं। तो हरि तो नहीं चाहेंगे कि हम हमारे, देखो हमारे प्रारब्ध है क्या, हमारे प्रारब्ध है कि हम बर्बाद हो जाए, लेकिन हरि नहीं चाहता कि हम बर्बाद हो जाए। हरि नहीं चाहता कि हम बर्बाद हो जाए, तो फिर क्या। चलो मान लो एक उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति का 20 लाख का नुकसान हो गया, नुकसान हो गया और नुकसान के बाद वो हार कर बैठ गया। जब वो हार के बैठ गया, सिर पकड़ के बैठ गया, नींद की 6-7 गोलियां लेके सो गया, तो 20 लाख तो गए, उसकी अपनी जिंदगी भी गई है। लेकिन 20 लाख तो गए, वो हारा है लेकिन हार मानी नहीं है। ये 6-7 दिन पहले मैंने आपको समझाया, देखो हार जाओ लेकिन हार मानना नहीं। हार जाओगे तो एक मैच हारोगे, हार जाओगे तो एक गेम हारोगे, हार मान लोगे तो जिंदगी हार जाओगे। अब आओ चलो देखते हैं अर्जुन और कृष्ण की तरफ, आओ फिर से श्लोक पे आते हैं। कृष्ण चाहता तो, ये पिछले दिनों में समझा रहा हूं कि एक फूक मारता और महाभारत खत्म हो जाती है, लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। और कृष्ण ने यह भी नहीं कहा, ना कृष्ण ने अर्जुन की युद्ध लड़ी, समझ लो ये दो शब्द समझो, ना कृष्ण ने अर्जुन की युद्ध लड़ी और ना ही कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने से रोका, दोनों काम नहीं किए। होता तो ये कहता कि चल तू बैठ जा, अभी मैं इनको सीधा करता हूं, और फूक मारता और सब उड़ जाते, ऐसा भी नहीं किया। और दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं किया कि छोड़ दे अर्जुन, तेरे नसीब में होगा तो मिल जाएगा, छोड़ दे, ऐसा भी नहीं किया। तो क्या किया, अब आप समझो। पहले अर्जुन को मोटिवेट किया, क्या किया, मोटिवेट किया, अर्थात उसमें विल पावर पैदा किया। विल पावर को हम हिंदी में बोलेंगे इच्छा शक्ति। उस इच्छा शक्ति में शब्द क्या आया, इच्छा, जो भी मैं बोल चुका हूं, इच्छा शक्ति, अर्थात उसमें कौन सी शक्ति पैदा की, इच्छा की। अब जब वो तैयार हो गया क्या करने, देखो अब मान लो उसके नसीब में नहीं भी है, किसी तरह से छल कपट करके उन्होंने ले लिया,
लेकिन कृष्ण चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण ही है जो नसीब का लिखा भी बदल सकते हैं, और वो यहां मैं देख रहा हूं अब कैसे। अब आओ आओ आओ, खाली तालियां मत बजाओ, पहले समझो पूरी चीज को, समझो। अर्जुन के तो नसीब में था ही नहीं, क्योंकि वो तो सब भयंकर लोग थे, और भाई अगर नसीब में होता तो उस समय वो युद्ध में, वो उसमें किसमें, जुए में हारते ही नहीं, उसके तो नसीब का था, क्यों हार गए भाई। जो नसीब की चीज होती है वो कोई छीन थोड़ी सकता, कोई कहता ना कोई हाथ से छीनता नसीब, तो अगर नसीब में होता तो ये होता ही क्यों। नसीब में होता तो द्रौपदी की वस्त्र हरण क्यों होते, नसीब में होता तो इतना अपमान क्यों होता, नसीब में होता तो इतना ये सब होता ही क्यों, होता ही नहीं कुछ। लेकिन नसीब में तो कुछ और था, और नसीब में अगर कुछ होता तो इतने बड़े बड़े योद्धा फिर कहां होते। अर्जुन की तरफ, क्योंकि वो अर्जुन के नसीब के थे भाई, है ना। मेरे नसीब के दोस्त तो मेरे ही तरफ होंगे, लेकिन वो तो सब उसके विरुद्ध थे, मतलब ये सब उसके नसीब में था ही नहीं। लेकिन अर्जुन ने एक काम किया था, वो समझाओ अभी मजा आ जाएगी। जब वो द्वारका पहुंचा देखो, एक बात बताओ, धन दौलत पैसा अस्त्र शस्त्र लड़ने लड़ाका मारती सारती ये आदमी को कब मिलता है, मानते हो, मानते हो, मानते हो ना। ये तो सब तो वहां हुआ क्या कि जो नसीब से मिलता है, जो नसीब से मिलता है वो दुर्योधन ने ले लिया, और जो नसीब बदलता है वो अर्जुन ने ले लिया। क्या बात है भाई, जो नसीब से मिलता है वो दुर्योधन ने ले लिया, और जो नसीब को बदलता है वो अर्जुन ने ले लिया। वाई यही कि एंड ऑफ द डे मेरे ठाकुर ने अनहोनी को होनी कर दिया, बदल दिया सब कुछ। क्या क्या बदला वो कल बदलूंगा। संक्षेप, अब बहुत थोड़ी थोड़ी आज थोड़ी सी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी बात है, लेकिन उसको और इजी करके पूरा कर दूं। इतना समझाऊं कि मान लो कोई चीज हमारे नसीब में नहीं है, ठीक है नहीं है, लेकिन बैठ नहीं जाना है ये सोच के कि ये मेरे नसीब में नहीं है, बैठ नहीं जाना है। ये सोच के कि ये मेरे प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, ये सोच के बैठ नहीं सकता। क्यों बताऊं, क्या पता आपके नसीब में ये हो कि आपको संघर्ष करके लेना है, और आप समझो कि नसीब में नहीं है, बैठ जाओ। आप सोचो कि प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, लेकिन आपको क्या पता कि वो प्रारब्ध में हो तो मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि जो प्रारब्ध में हो उस प्रोसेस में नहीं जा रहा है, और आपके प्रोसेस में है कि आपको संघर्ष करना है। इसलिए शुड ऑलवेज स्ट्रगल। अब चलो एक दूसरे अध्याय का श्लोक पढ़ते, कर्मण्य वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। सुनो भाई, तू है ना स्ट्रगल कर, यू शुड स्ट्रगल संघर्ष कर, क्योंकि ये करना तेरे हाथ में, जो तेरे हाथ में वो तू कर, जो तेरे हाथ में नहीं है उसको सोच भी ना।
तेरे हाथ में स्ट्रगल कर, और अगर तूने स्ट्रगल किया तो रिजल्ट तो आने वाला है। अब वो रिजल्ट क्या आएगा वो तो मत सोच, वो मेरे ऊपर तू छोड़ दे। और याद रख, अगर तूने मुझ पे छोड़ा, तूने अगर मुझ पे छोड़ा तो मैं तो तुझे तेरी सोच से भी अच्छा ही दूंगा। और अगर तूने स्ट्रगल किया और रिजल्ट खुद पे छोड़ा तो भाई यू आर द रिस्पॉन्सिबल, यू आर द रिस्पॉन्सिबल। तो अब एक चीज किसके प्रारब्ध में नहीं है और वो चीज कैसे मिले, ठीक है ना, यहां कृष्ण ने समझाया। तो कितना अच्छा एक पूरा निचोड़ ये आया कि दुर्योधन ने वो चुना जो लोगों को नसीब से मिलता है, और अर्जुन ने वो चुना जो लोगों के नसीब बदलता है। ये मर्तबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है, औरों को सब कुछ मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। अभी कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में क्लियर नहीं हुई है, समय नहीं है, कल इसको मैं और अच्छे से और क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा है लेकिन अभी समय नहीं, इसलिए कंट्रोल कंट्रोल कर रहा हूं। कल इस चीज को और हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसको हमने ठीक से समझ लिया ना तो मैं गारंटी से कहता हूं जिंदगी की सोचने की दिशा ही हमारी बदल जाएगी, देख लेना। ये जो हम रोते रहते ना, हाय हाय हर बात पे शिकवा शिकायत, जिंदगी को झंड बना के रखा है। जिंदगी है झंडवा फिर भी है घमंडवा। जिंदगी को झंड बना के रखा है। अगर इन चीजों को हम सोचे कहने तो कभी कभी हमारे सोचने की दिशा ही बदल जाएगी, और बदल जाएगी। कल और चर्चा करूंगा। नित्य भजो। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।